नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। मैं रवि राठौर आप सभी बांसवाड़ा डूंगरपुर वासियों का स्वागत करता हूं बांसवाड़ा पत्रिका के अंक 1166 में। आप देख रहे हैं वागड़ का एकमात्र लोकल टीवी न्यूज चैनल गोल्डी डिजनल। तो चलिए इस सप्ताह की खबरों की शुरुआत करते हैं साहित्यिक सम्मेलन से। राष्ट्रीय कवि संगम बांसवाड़ा द्वारा बांसवाड़ा शहर के मंदारेश्वर मार्ग स्थित गौशाला में साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। प्रारंभ हो गया। हेलो, बोलिए गौ माता की जय। वीणा पानी मुझको दे दो, तुम इतना वरदान। वीणा पानी मुझको दे दो, वीणा पानी मुझको दे दो, तुम इतना वरदान। कोमल कंठ से मैं गाता हूँ तेरा ही गुणगान। कोमल कंठ से मैं गाता हूँ तेरा ही गुणगान। हे स्वर की देवी तुझसे गीत बने हैं, शब्द तेरी भक्ति से हर पल ये मन मेरा तुझको दे दो, तुम इतना वरदान। कोमल कंठ पीढ़िया भी हमको 100 जन्म भी लेने पड़े, तो मैं तो व्यक्तिशय ये कामना करता हूँ मुझे इसी भूमि पे जन्म लेने का अवसर मिले। आज दो वैक्सीन लग रहे हैं, दो बहुत जल्दी ट्रायल सक्सेसफुल रहेगा। देश के सबसे बड़े मंचीय कवियों और उनका सबसे बड़ा संगठन है जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, इसमें हरिओम पवार जैसे बड़े ओज कवि हैं जो, और छोटे से छोटे शहर और इकाई से जुड़े हुए राष्ट्रवादी कवि भी इस संगठन से जुड़े हुए हैं। यह संगठन मूल रूप से साहित्य की राष्ट्रवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया, और ऐसी नई प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए जिनमें क्षमता तो है, लेखन भी है, लेकिन उन्हें कोई मंच नहीं मिल पाता या उन्हें संबल नहीं मिल पाता, उसके लिए इस मंच का गठन किया गया। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है राष्ट्र जागरण धर के हम भी चल रहे हैं, और इसमें आप सभी का पूर्ण सहयोग हमें मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने राजकीय सेवा काल में उत्कृष्ट कार्य करने के बाद राज्यपाल महोदय देश के रूप में आज हमारे बीच में मौजूद हैं। आपकी संड के रूप में आपको पूरे कल रात मैंने एक अभूतपूर्व सपना देखा और उस सपने में मैंने मेरी पत्नी को देखा। जैसे ही पत्नी ने मुँह खोला, मैं उससे जड़ बोला, प्रिय क्या तुमने कभी देश के बारे में सोचा है? वह बोली, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही ऊंचा है। अरे जिस देश में रक्षक की भक्षक बने हुए हो और आजादी को सरेआम नीलाम करने पर तुले हुए हो, ऐसे समय में तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या तुमने कभी देश के बारे में सोचा है, तो तुम्हारा प्रश्न कितना ऊंचा है। इससे तो अच्छा होता तुम घर के बारे में पूछते और मैं जो कुछ बताती उस पर कविता लिखते। मेरे मोती छाई गई वार जरा नहीं लागी थी हाथ पियालवा कर हासा होसी करी करी ने जिम जिम पूरा कर हाथी पूरी करी ने परिद के लीनी नी थी माँ बाप ने आशा सोड़ी हारी में जब सुटी गयो है पेट पता ले पूरी है हर दर हर को बिल बड़ी गयो लीनी डाइस बेगा कर यही रेना नी तो बाल पोतली बिल्ली नगर है यही वाटे जाते रास्ता भाई तो अशुभ सुकन तो नी क्या है हाँ पगोरा आला उठिया कुचरा रोवा लागे है गांगली पदभड़ी अवर हो रहा है बेटी तो पर लोग सिधा है भाई कमा रखू क्या है कि मारे भाग्य में हाय विजाता क्या करा पा जाते
धन्यवाद आदरणीय पंड्या जी। माँ शुभ्र पट्ट धारिणी माँ सुबुद्धि प्रदान कर भव से उतारिए उज्ज्वल स्वरूपिणी माँ शुभ्र पट्ट धारिणी माँ सुबुद्धि प्रदान कर भव से उतारिए उत्तम विचार रहे उत्तम आचार रहे उत्तम विचार रहे उत्तम आचार रहे ज्ञानहीन मानस के चित्त को निखारिए। कलम के धनी और दो सूचनाएं मैं आप सभी को देना चाहता हूं। श्री कवि संगम की नवीनतम सदस्य और 15 साल की बेटी माँ शारदे, माँ शारदे, माँ वरदे, माँ शारदे, माँ वरदे, भव भव के तिमिर को तू मुझसे दूर कर दे, भव भव के तिमिर को तू मुझसे दूर कर दे। खुशियों की सौगात हो जिंदगी रंगीन हो और कोरोना का नाश हो जिंदगी रंगीन हो और कोरोना का नाश हो हर दिल में जीवन जीने की नई आस हो हर दिल में जीवन जीने की नई आस हो दरिंदों का त्रास हो और राष्ट्र का विकास हो दरिंदों का त्रास हो और राष्ट्र का विकास हो सुख समृद्धि यश वैभव की बरसात हो सुख समृद्धि यश वैभव की बरसात हो सद्बुद्धि का संचार हो और अंधविश्वास का विनाश हो। सद्बुद्धि भी कुछ कहना चाहूंगी कि बेटियां हमारे राष्ट्र में बड़ी आगे बढ़ चुकी है। जब भी राह भटक जाऊं मैं राह याद दिलाती है माँ जब भी राह भटक जाऊं मैं राह याद दिलाती है माँ जब भी मैं हार मान जाऊं मेरा साथ देती है मेरी माँ। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। क्या बात सौभाग्य सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है सबको स्मार्ग पर लाने को मैत्री की राह बताने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए भगवान हस्तिनापुर आए और पांडव का संदेशा ले आए। तो आधा दो तुम्हें इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो धरती अपनी दूसरा शायरी पेश करती हूँ। मुसाफिर थे मुसाफिर रह गए मुसाफिर थे मुसाफिर रह गए जोड़े थे जो पन्ने दर बदर बह गए जो मुश्किलें आई थी राहों में हम कंबखत उन्हें भी हम सफर कह गए। मैं नहीं तुमको हकीकत में ही पाया है मेरे जीने का जरिया तू जो ना ठहरे वो दरिया तू मेरे जीने का जरिया तू जो ना ठहरे वो दरिया तू गुलाबों में नहीं तुमको शबाबों में बसाया गिरी पर भारत के भाग्योदय गिरी पर तुम सूरज से गए दीप्यमान। भारत के भाग्योदय गिरी पर तुम सूरज से गए दीप्यमान वर्षों पहले घोषणा विकल कवि ने की थी उद्गारों में भावी प्रधानमंत्री आया है कारा की दीवारों में भावी प्रधानमंत्री आया है कारा की दीवारों में वह स्वप्न हुआ साकार और बिखरे भावों को छंद मिला संसद के माध्यम से युग को दूसरा विवेकानंद मिला संसद के माध्यम से दूसरा लड़के बाल बढ़ाए लड़के बाल बढ़ाएं, लड़कियां बाल कटाएं, लड़के बाल बढ़ाएं, लड़कियां बाल कटाएं, आओ हम सब एक होकर हम सब एक होकर बाल दिवस मनाएं। दूरतों को चारा मूर्खों को नारा सारे जहां से अच्छा। ये मेरा पहला मंच है इसलिए मैं माँ के लिए कुछ पढ़ना चाहती हूँ। गीत पढ़ने से पहले मैं अपना एक मुक्तक रखती हूँ सुनिएगा। जमीन पर पाँव है मेरे मैं अंबर छू के आऊंगी जमीन पर पाँव है मेरे मैं अंबर छू के आऊंगी समुंदर तेरे कर दुख काम में सुख के गाँव जाऊंगी समुंदर तेरे के दुख के में सुख का
गाहे तेरा हर एक बोल। एक दिन होना ही था, चलो ये भी तो एक दिन होना ही था, तुम्हें खोना यानी मुझे मरना ही था, चलो ये भी तो एक दिन होना ही था, तुम्हें खोना यानी मुझे मरना ही था। की रीत सब अब निभानी तो है, प्रीत की रीत सब अब निभानी तो है, आग दरिया में हमको लगानी तो है। फरिश्ता ये पैगाम लाई, क्या किस्मत तुम्हारी जो जन्मी प्यारी बिटिया, मैं बिटिया बन तुम्हें तारने आई। समझो मेरा मोल पापा, समझो मेरा मोल, ना मैं हीरा ना मैं मोती, ना मैं हीरा ना मैं मोती, फिर भी हूँ मन मोल मोल मोल। समझो मेरा मोल पापा, समझो मेरा।